सर डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, कब तक काम होगा सर? भाई मेरा वीडियो कब तक रेडी होगा? थोड़ा जल्दी बनाओ, 6-7 घंटे हो गए आपको फोटो दिए हुए। 5-6 फोटो भेज रहा हूँ, 1 मिनट का वीडियो बनाओ, 3D मार के एकदम हीरो लगूंगा। अगर और लेट होगा तो रहने दो। सही यार, बस वो फील नहीं आ रहा है। काम कर, म्यूजिक बता दे। अरे ठीक नहीं। अरे तो जब तुम लोग को ये काम एम्बेरसमेंट लगता है तो तुमने एडिटिंग फील्ड ज्वाइन ही क्यों किया? क्यों बनाया पेज? क्यों करता है एडिट? छोड़ देना। सर क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है अभी? क्लाइंट वाले काम खत्म नहीं हो रहे हैं और सारा काम करने का पूरा एक तो मन भी उतरते जा रहा है, इसीलिए कुछ अभी बनाया ही नहीं हूँ मैं। क्यों भाई, इतने टाइम से इनएक्टिव हो तुम, लाइक तगड़ा बना दिया होगा क्या? क्या चल रहा है अभी, दिखाओ तो सही हमको। अरे यार बना लेते तो अभी तक तेरे को दिखा भी देता भाई, पर लिटरली बता रहा हूँ पूरा मोटिवेशन मर चुका है भाई। मैं नहीं कर पा रहा हूँ सच्ची। ट्राई करता हूँ कुछ, अपने पेज का भी देखता हूँ भाई कि साला इतना डेड हो गया है ये वो करके, बट बीच में कॉलेज आ जाता है, पेड वर्क्स वगैरह कभी कभी आ जाते हैं, तो फिर उसमें दिमाग चला जाता है, माइंड पूरा एकदम बंद हो जाता है, फिर मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। और अभी ये सब काम के चक्कर, कॉलेज वॉलेज ये वो, यार नहीं दिमाग आ रहा, बट ट्राई करता हूँ चल अब कुछ। हाँ भाई करो करो, ट्राई करो, टाइम भी हो गया तो, और कुछ वो तो बता देना, लाइक आई विल हेल्प मी हूं ना। लेट्स होप अब तेरा कुछ लगेगा तेरे को कॉल करता हूं, मैं बताता हूं, ठीक है? ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर।
हेलो यस एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर हैरी हाँ मैं ही हूँ कुछ बनाने का आया है क्या सो वी वांट यू टू मेक अ प्रमोशनल वीडियो फॉर अ न्यू वेब सीरीज ओके सो प्लीज़ ये स्केड्यूल में चेंज कर लीजिए मेरा अभी बिल्कुल नहीं हो पाएगा मेरे से मैं नहीं कर पाऊँगा यू जस्ट हैव टू मेक अ 50 टू 20 सेकंड वीडियो इट्स नॉट अबाउट ड्यूरेशन यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी मेरे से नहीं हो रहा बस अरे सुन ना भाई हम लोग जैसे लोग ना तुम लोग को काम दे रहे हैं ना तेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है समझा क्या क्या बोला वापस बोल जब तुम लोग को पेज चलाने ही नहीं आता है इनएक्टिव रहते हो दिन भर कुछ काम करते नहीं हो और जब कंपनी से काम आ रहा है तो तुम लोग को करना नहीं है क्या ही कमाते हो तुम लोग चिल्लर अबे वो सुन सुन इधर मैं काम करना क्या कर सकता हूँ ना तेरे को बताने की जरूरत नहीं है ठीक है तो खाले यहाँ पे मुंह पे जो बड़बड़ चपड़ 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 कर रहे हैं ना मैं अभी करके दिखाऊंगा ना तो तुम लोग की फट के रह जाएंगे वहीं पे फिर चिल्लाते रहना बोल आके कि भाई कर दे अपना काम अरे यू लिसन टू मी तुम लोग कर क्या सक मेरे को ये बताओ कुछ करना और ना आता नहीं आ गया एडिटर अबे अबे सुन बहन के हाँ हैरी क्या हाल चाल अरे भाई मैं सुनना भी मेरी तो छोटा सा कांड हुआ है अभी एकदम कहीं पर है तो एक मिनट सुनना बस ठीक है कि ऐसा सा हुआ है करके अच्छा क्या हुआ पता अभी ना ये जो ये प्रोमो एजेंसी वाला बंदा है मेरे को कॉल किया ठीक है बोला कि वेब सीरीज को कर दो भाई प्रोमो करके ठीक है मैं बोला कि भाई अभी मैं 2 महीना से इनएक्टिव हूँ मेरा सच्ची बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी ताकत हिम्मत नहीं है करने का मैं नहीं कर पाऊंगा बोला भाई इतना तो तू ठीक था लेकिन फिर उसके बाद वो सर पे चढ़ने लगा बंदा भाई कि तेरे को काम दे रहा बड़ी बात है जब काम आता है तब करना नहीं रहता और मैं जब बोलता हूँ सालों को कि पेमेंट दो करके ये वो करके तो एक एक महीना लगा देते हैं यही बात चल रहा था पूरा एकदम आधा घंटा से फिर एकदम थोड़ा बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया तो कॉल रख दिया भाई तो एक बात बता मेरे को ठीक है मेरा दिमाग ना खराब हो चुका है बस क्योंकि ना एक तो ये कॉलेज का प्रेशर अलग दिन भाई वाला पता नहीं कौन सा असाइनमेंट पटक देते हैं ये फिर उसके बाद मेरा ये क्लाइंट वर्क वाला जो काम उठा के रखा हूँ ये लोग 10 बार को चकते रहते हैं मेरे को भाई कर दे कंप्लीट करके मेरा पेज पूरा एकदम 2 महीने से इनएक्टिव से खत्म हो गया भाई मैं करूँ तो करूँ क्या ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड देख भाई मैं तेरा कंडीशन समझ रहा हूँ बट तू भी थोड़ा क्लाइंट के प्रस्पेक्टिव से सोच के देख उसने मुझे वर्क सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि तू उस काम में बेस्ट है बट अगर तू उसके डीएम्स की रिप्लाई नहीं देगा तो वो तो इनसिक्योर होना ही है और रही बात तेरे पेज की भाई तो 2 महीनों से इनएक्टिव है तेरे ऑडियंस को तो यही लगेगा ना कि तू खुद इंटरेस्टेड नहीं है पेज चलाने में ये जो आदत लगा हुआ है ना फालतू सा मेरे को कि भाई हर 2 मिनट में यही खोला सॉफ्टवेयर पे बैठ के ऐसा वैसा कर रहा हूँ फिर बंद फिर से उधर जा रहा हूँ भाई क्या करूँ इस चीज़ का मैं दिमाग खराब हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी कॉलेज लाइफ और तेरी पर्सनल लाइफ तेरे पे बर्डन डाल रही है बट भाई मुझे तो लगता है कि तू खुद प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है तेरे पास इतना सारा काम पेंडिंग है बट फिर भी तो दूसरों को ब्लेम करने पे ही तुला है एक टास्क ले उसे कंप्लीट कर फिर दूसरे टास्क को कंप्लीट कर ऐसे करते करते सारे टास्क हो जाएंगे तुझे बस काम को शुरू करना है तेरे पेज को देखकर कईयों ने एडिटिंग शुरू करी है और वो तेरे लिए भी हमेशा से मोटिवेशन रहा है खुद को और बेटर करने का तो ये सब याद कर और भाई लग जा काम पे तो डिसाइड कर ले तेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है तेरा डिस्ट्रैक्शन या तेरा पैशन मेरा पैशन यार तो बस लग जा काम पे कहते हैं काल करे सो आज करे सो अब यानी कि इंसान को अपने सारे काम अपने उसी समय पर ही करना चाहिए पर क्या करें जब इंसान की मजबूरियां इंसान की जिम्मेदारियां
एक पहाड़ की तरह उसके सामने हो। बेचारा समय की परिभाषा ही भूल जाता है। अभी इस वक्त मेरी चुनौती खुद को साबित करना ही नहीं था, पर एक कलाकार को साबित करने की थी कि एक कलाकार गिरता है, एक कलाकार सीखता है। पर एक कलाकार का सबसे बुरा वक्त ही उसे हिम्मत देता है उसके सबसे बड़े पलटवार करने के। समय आ चुका है कहने का कि इट्स टाइम टू गेट बैक। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।